गोवन वार्ता लाइव चे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट वीडियो चे नोटिफिकेशन मिळवा। शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून विरोधी पक्ष राजकारण करत आहेत। प्रधानमंत्री मोदी शेतकरी विरोधी काहीच करणार नसल्याचं भाजप किसान मोर्चाचे अध्यक्ष खासदार राजकुमार चहर म्हणाले। चहर यांनी गोव्यातील भाजप किसान मोर्चाच्या कार्याचा आढावा घेतला आणि पत्रकारांशी संवादही साधला। यावेळी भाजप अध्यक्ष सदानंद शेठ तानवडे आणि गोवा भाजप किसान मोर्चाचे अध्यक्ष वासुदेव मेंगगावकरही उपस्थित होते। पार्टी किसान मोर्चा अपना जो तालुका लेवल पर, पंचायत लेवल पर मजबूत हो, मंडल की इकाइयाँ मजबूत बने, इससे भारतीय जनता पार्टी गोवा के अंदर जितना मजबूत होगा, देश के अंदर भी पार्टी उतनी मजबूत होगी। इसके लिए एक आज बैठक हमने की है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि 5-6 महीने के बाद गोवा की प्रदेश कार्यसमिति किसान मोर्चा की करने का भी एक आज तय किया है प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सदानंद जी के साथ बैठकर कि आने वाले समय में जिसमें तालुका लेवल तक हम आगामी 6 महीने के अंदर पूरी पार्टी तैयार हो जाए किसान मोर्चा, जिससे आने वाले इलेक्शन में जो MLA का इलेक्शन यहाँ पर आएगा उसके लिए BJP मजबूत होकर आए और अपने दम पर सरकार बनाए, इसके लिए हम लोग एक योजना बना रहे हैं। 2 विधेयक और 1 संशोधन केंद्र की सरकार लेके आई। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जन जन के प्रिय नेता हैं। किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली आए, किसानों की ज़िंदगी में एक अच्छे बदलाव हों, सकारात्मक रूप से किसान की आय बढ़े, इसके लिए रिफॉर्म्स लाए गए हैं। उनकी बहुत आवश्यकता थी, पूरे देश के किसानों को उसका लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ स्थानों के विशेषकर पंजाब के कुछ किसानों को वहाँ पर बहकाया गया है, उनको भ्रम डालकर उनके मन में सरकार के खिलाफ खड़ा किया गया है। लेकिन मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकते जो 125 करोड़ देशवासियों के खिलाफ जाए। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं गोवा सहित पूरे देश के अंदर, उन रिफॉर्म से किसानों को लाभ मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी और आने वाले जो उनका यूथ है, किसान युवा जिन्हें बोलते हैं, वो अच्छे से खेती कर पाए, इसकी तरफ सरकार ने ध्यान दिलाने का काम किया है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से एक संदेश दिया उसको भी किसानों के कुछ संगठन मानने तैयार नहीं थे, तो आप समझ सकते हैं कि किसान के कंधे पे बंदूक रखकर राजनीति करने का काम कांग्रेस पार्टी सहित देश की अन्य राजनीतिक विरोधी दल कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को लोकप्रियता के कारण अन्य दल परेशान हैं, उनको नहीं लगता कि मोदी जी के रहते हुए कोई अन्य दल मजबूत हो पाएंगे, तो एक षड्यंत्र के सहित ये मुद्दे पर किसानों को बरगलाने का काम किया है। लेकिन देश का 60 करोड़ से ज़्यादा किसान इन बिल के समर्थन में है, कुछ किसान संगठन हैं जो विरोध कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से परिवार ये एक देश है, एक परिवार है, अनेकता में एकता, ये भारत की विशेषता है। गोवा छोटा प्रदेश हो सकता है लेकिन बड़ा शांत प्रदेश है, बड़ा उन्नतशील प्रदेश है। गोवा के आगे बढ़ने से मैं तो कह सकता हूँ कि देश आगे बढ़ता है। और मैं तो अपने एक मित्र, मेरे साथी मेरे साथ अभी बैठे थे, तो गोवा का मैंने नया शब्द भी अपने मन में एक विचार किया, मैं मीडिया के सामने भी कह रहा हूँ, गोवा, गो जाना और आ मतलब आना। तो गोवा में बारी बार पूरे देश का, दुनिया का पर्यटक जाए भी और आए भी, जिससे गोवा की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़े, गोवा के लोगों की आर्थिक व्यवस्था भी आगे बढ़े, गोवा के लोग सुखी रहें, संपन्न रहें और गोवा का किसान आगे बढ़े, गोवा का जनमानस आगे बढ़े, गोवा में शांति रहे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। म्युनिसिपालिटी इलेक्शन तीन महीने फुढ़े धुकलना ना कश आ कि ऑर्डिनन्स पैली जे एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट केल्लो तो त्याची टर्म 31 जानेवारी सोंपता, तर एडिशनल 3 महीने वाढयल्या, तो 3 महिने पहिले केन्नाय निवडणूक जाऊ शकता, इज नॉट एप्रिल, केन्नाय जाता। ओके, पण या पार्टी इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर इलेक्शन, पण देयर हॅव बीन अ डिबेट ऑन दिस पार्टी इलेक्शनचे, पार्टीचे जाऊचे म्हणा। आता पळय वो डिबेटाक एंड केन्नाय येतलो, 25 तारीख असेंब्ली सेशन सुरू जाता, त्यानंतर ॲक्च्युअल सपोज जर येवपाचे असा ते पार्टी लेवल जाल्यार ते असेंब्लीन ठरतले, जर असेंब्लीन येवना जाल्यार ते मागीर पार्टी लायनान जावचे ना। विशी फक्त एक 4-5 दिसांचोच प्रश्न, आज जालो 25 म्हणजे मंडे पासून सुरू जातले असेंब्ली, मागीर ॲक्च्युअल पोझिशन कळटलें।